नमस्कार दोस्तों, SRS एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं गुड न्यूज मूवी के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे कि मूवी हिट होगी कि फ्लॉप, क्या हो सकता है लाइफ टाइम कलेक्शन, इसका प्रिडिक्शन दूंगा, मूवी का बजट क्या है, स्क्रीन काउंट क्या है, ओवरऑल सारी बातें करेंगे हम आपके साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड न्यूज में काम करने वाले कलाकार के बारे में। गुड न्यूज में आप सबके चहेते अपने अक्की भाई अक्षय कुमार हैं, फिर करीना कपूर खान हैं, दिलजीत दोसांझ हैं, और कबीर सिंह की हीरोइन जो काफ़ी फेमस हुई थी कियारा आडवाणी, ये इस मूवी में काम कर रहे हैं। मूवी की स्टोरी और लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, और ये करण जौहर इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ हैं। और मूवी के बज और इसके मार्केट की बात करें तो इसे बहुत सारा प्यार यूट्यूब में ऑलरेडी मिल चुका है। इसके गाने हिट हो चुके हैं, सौदा खरा खरा और बहुत सारे ऐसे गाने जो सबकी ज़ुबान पे हैं। और मूवी की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका जो प्लॉट है काफ़ी अच्छा है, क्रिटिक्स के भी स्टार रेटिंग काफ़ी अच्छी मिली है, तो ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा है। बजट की बात करें तो मूवी 105 करोड़ में बनी हुई है, जिसमें 90 करोड़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और प्रिंट और एडवर्टाइजिंग में 15 करोड़ का खर्चा हुआ है। स्क्रीन की बात कर ले तो इन इंडिया ये 3100 स्क्रीन पर रिलीज़ हुई है, और ओवरसीज में 700 स्क्रीन पर रिलीज हुई है, ऐसा वेबसाइट्स में दिखाई दे रहा है। मूवी का ओवरऑल परफॉर्मेंस को ध्यान में रखे तो आने वाले समय में कोई मूवी बड़ी मूवी नहीं आ रही है, तो इस मूवी को काफ़ी अच्छा समय मिलेगा बिजनेस करने के लिए। ये अक्षय कुमार की तीसरी मूवी हो सकती है 200+ करोड़ की क्लब में जाने के लिए, क्योंकि मूवी का जो लाइफ टाइम कलेक्शन आएगा वो मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो 205 करोड़ आता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है कितना हो सकता है इसका लाइफ टाइम बिजनेस, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेशन सही लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।